वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो जैसा आप सभी को जो लेटेस्ट अपडेट है एलपी की तरफ से वो आप सभी को पता चली गई है सभी जोन के लिए कि क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है वो रात को ही जारी कर दी गई थी। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं जिनका साइको के लिए टेस्ट होने वाला है, साइको होगा, उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी कट ऑफ सभी जोन के लिए। तो वो सारी अपडेट पता है आपको, आपने रिजल्ट भी देख लिया होगा अपना। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने। कैसा रहा वो भी जरूर बताइए कमेंट्स में। तो आज मैं आपको टेबल टेस्ट करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, उससे पहले देखिए आइए कुछ चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले विकर्ण जो है डायगोनल को एक्सचेंज करना कैसे होगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। उससे पहले एक चीज और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो क्लासे हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटिन्यू रहेगी। इंग्लिश में अलग क्लास होगी, हिंदी में भी होगी। ठीक है, तो आइए उससे पहले देखते हैं विकर्ण। अगर डायगोनल को चेंजिंग करने का बोले तो क्या बोले, देखिए अगर हमें बोला जाता है रो फर्स्ट और रो फाइव के डायगोनल को चेंज करना है हमें, सेकंड कंडीशन क्या होगी, रो फर्स्ट और रो फाइव डायगोनल इंटरचेंज द डायगोनल ऑफ रो फर्स्ट एंड रो फाइव, और सेकंड कंडीशन कॉलम वन एंड कॉलम फाइव डायगोनल एक्सचेंज द डायगोनल ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम फाइव। यह चीज हमें पता है कि रो फर्स्ट का डायगोनल और कॉलम फर्स्ट का डायगोनल एक ही होता है। ठीक है, ये एक ही है, यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है इन दोनों कंडीशन में और ऐसे जाता है। तो इस कॉलम वन की जगह यह भी लिखा सकता है रो वन कॉलम फर्स्ट और रो फर्स्ट डायगोनल और कॉलम फाइव का जो डायगोनल है उनको हमें इंटरचेंज करना है या रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सारी चीजें आइए मैं आपको बताता हूं। अगर हमें बोला जाता है फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन ये दी गई है कि आपको इंटरचेंज करना है रो फर्स्ट और रो फाइव का डायगोनल। तो रो फर्स्ट का जो डायगोनल है, रो फर्स्ट डायगोनल दिस वन, रो फर्स्ट का जो फर्स्ट लेटर है वहां से आप स्टार्ट कीजिए और एक विकर्ण बनाइए, डायगोनल बनाइए। ठीक है, रो फर्स्ट का फर्स्ट लेटर ये है, कॉलम फर्स्ट का भी फर्स्ट लेटर ये है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा ये। नेक्स्ट रो फाइव डायगोनल, रो फाइव का डायगोनल कौन सा है, ये है डायगोनल इसका। तो अब हमें इस तरह से डायगोनल बन रहे हैं, एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो इनमें जो एलिमेंट्स की चेंजिंग है अगर हमें एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज द डायगोनल ऑफ रो वन एंड रो फाइव, तो क्या होगा, देखिए इन एलिमेंट्स का आपस में इंटरचेंज होगा, इस तरह से इंटरचेंज होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे होंगे वो देखिए, रो फर्स्ट डायगोनल मींस बी बी सी ई बी, यहां पर लिख रहा हूं मैं बी, नेक्स्ट बी सी ई एंड बी, रो फाइव डायगोनल डी ए सी बी ए, सो डी ए सी बी ए, बी एंड ए, डायगोनल कौन सा है, ऐसे है डायगोनल और ये इस तरह से डायगोनल। अब हमें डायगोनल को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो कौन से एलिमेंट है और वो कैसे चेंजिंग होंगे, क्या फर्क रहेगा, वो चीज देखिए यहां पर। अब इस डायगोनल को हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है या इंटरचेंज करना है, तो देखिए ये एलिमेंट्स आपस में चेंज हो जाएंगे, यहां पर बी और डी आपस में चेंज होंगे, बी और ए आपस में चेंज होंगे, ये सी वही रहेगा क्योंकि ये सभी में क्या है, बीच में है यहां पर, फिर बी और ई यहां पर आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और बी और ए इस तरह से इंटरचेंज होंगे। तो ये चीज समझ आ रही है, डायगोनल इस तरह से है, यहां पर इस तरह से है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग लेटर है वो आपस में एक्सचेंज होंगे और जो एंडिंग लेटर कौन है, यहां पर ए है यहां पर बी है, तो ये आपस में एक्सचेंज होंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट यही है, फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर एंड
एंडिंग लेटर आपस में एक्सचेंज होंगे। तो ये चीज फर्स्ट समझ आ गई अपने को, रो फर्स्ट और रो फाइव के डायगोनल को एक्सचेंज कैसे करना है। नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताता हूं, कॉलम का डायगोनल, कॉलम फर्स्ट का डायगोनल, कॉलम फर्स्ट डायगोनल और कॉलम फिफ्थ का डायगोनल। ठीक है, कॉलम फर्स्ट का डायगोनल कहां से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, बी बी सी ई और बी, तो ये इस तरह से गया है। नेक्स्ट कॉलम फाइव डायगोनल, कॉलम फाइव का जो विकर्ण है डायगोनल आया वो ए बी सी ए डी, तो ए बी सी ए डी ए डी। तो बेसिकली जो डायगोनल है वो तो सेम ही है, पर हमारी डायरेक्शन अब देखिए चेंज हो गई। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें इस तरह से डायगोनल की डायरेक्शन थी और एक इस तरह से थी, ठीक है। अब क्या है, एक डायरेक्शन इस तरह से है, दूसरी इस तरह से है। तो अब एलिमेंट्स हैं उनकी एक्सचेंज, उनको एक्सचेंज कैसे करना है एक दूसरे से, तो वो चीज देखिए। हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज कौन कौन होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ दिस एंड फर्स्ट लेटर ऑफ दिस, ठीक है, फर्स्ट लेटर एंड एंडिंग लेटर। अब ये भी आपस में एक्सचेंज होंगे, फिर ये एक्सचेंज होंगे और लास्ट में ये एक्सचेंज होंगे। तो हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो डायगोनल है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है। स्टार्टिंग लेटर आपस में एक्सचेंज होंगे और एंडिंग लेटर आपस में एक्सचेंज होंगे। सिंपल सा और बेसिक सा कंसेप्ट यही है। नेक्स्ट एक चीज हमें याद रखनी है, ऑल फोर डायगोनल्स आर एक्सचेंज, ऑल फोर डायगोनल्स आर एक्सचेंज्ड व्हेन दिस स्टेटमेंट इज गिवन, all four diagonals are exchanged means table is same as previous, table पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब चारों diagonals को हमें exchange करने को बोला जाए। basically जो diagonal है वो दो ही type के होते हैं, कौन सा, एक diagonal ये है दूसरा ये है, या आप ऐसे मान लीजिए। but fourth category कैसे हो गई, इस तरह से हो जाती है, कैसे, ये row first का diagonal है, ये row five का diagonal है, ये कॉलम फर्स्ट का है और ये कॉलम फाइव का है, बट बेसिकली देखें तो दो ही डायगोनल है। अगर चारों को चेंज करते हैं, मान लीजिए मैं रो फर्स्ट का डायगोनल ये है, इसको चेंज करूंगा तो इस तरह से हो जाएगा, वापस कॉलम फर्स्ट के डायगोनल को चेंज करूंगा तो ये वापस उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो चार डायगोनल ये होते हैं, रो फर्स्ट रो फाइव कॉलम फर्स्ट कॉलम फाइव। तो फोर डायगोनल चेंज करने हो तो कोई फर्क टेबल पर नहीं पड़ेगा, यह चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का क्या होता है। क्लॉकवाइज हमें कैसे जाना है, क्लॉकवाइज दिशा ये होती है और एंटी क्लॉकवाइज इसकी उल्टी, घड़ी की विपरीत दिशा में, या इसको बोला जाता है वामावर्त और ये हो जाएगी दक्षिणावर्त। ये हिंदी के स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिखा आएगा। अब मान लीजिए हमें इस सी से चलना है, इस सी लेटर से चलना है, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप ध्यान से इसको फॉलो करें। सी से स्टार्ट फ्रॉम सी एंड मूव राइट साइड, राइट साइड मूव करेंगे तो हमारी जो चलने की डायरेक्शन है इस सी से इस तरह है, ठीक है। फिर हमें बोला जाता है टर्न डाउन और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस इस डायरेक्शन। तो हमारे पास यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, इस सी से हमें घड़ी की दिशा में चलना है और वापस यहीं आना है, इसी सी पर आना है। तो देखिए स्टूडेंट्स के डाउट ये थे कि इस सी से हम यहां तक जाएं या यहां तक जाएं। अगर मान लीजिए सी से यहां तक आ गए हैं, फिर यहां तक, फिर यहां तक, तो क्या हम वापस यहीं से आ सकते हैं, वापस यहीं से मुड़कर आना है, या ऐसे पूरा राउंड इसका हमें कवर करना है। तो ये एक बिग डाउट था सभी स्टूडेंट के कि इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सो करना इसको कैसे है वो चीज देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है स्टार्ट फ्रॉम सी
मूव राइट साइड. राइट साइड मूव मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ, दिस इज पाथ डायरेक्शन. अब हमें वापस इसी स्थान पर पहुंचना है, इसी प्लेस पर पहुंचना है, तो क्या हम ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे आए, तो कौन सी कंडीशन सही होगी, ये चीज हमें यहां पर समझनी है. तो ये कंडीशन गलत है. बेसिक सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट यही है, हमने इस तरह से चलना स्टार्ट किया था सी में, इस तरह से चलना स्टार्ट किया है तो हमें वापस भी इस तरह आना है, अपोजिट साइड में आना है. अब देखिए इस तरह से चलना स्टार्ट किया मैंने, तो हमें इस सी पर जब वापस पहुंचेंगे स्टार्टिंग पोजीशन पर, हमें क्या करना है, वापस पहुंचना है, तो हमें इस तरह से ऐसे आकर ऐसे आना है, ना कि हमें यहीं से बीच में से आना है. अब देखिए फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बी से, इस बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो चीज देखिए. इस बी से हमने स्टार्ट किया चलना, इस तरह से चलना स्टार्ट किया है. घड़ी की दिशा कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में इस बी से हमें स्टार्ट करना है, तो इस तरह से मूव करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज मींस दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आकर क्या करना है. अब देखिए यहां पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो श्योर सी बात है हमें वापस ऐसे आना है, हम ऐसे गए थे हमें वापस भी ऐसे ही आना है, तो क्या करेंगे इस तरह से हमें चलना है, इस तरह से ये हमारी डायरेक्शन रहेगी, हमें बिल्कुल लास्ट तक आना है यहां पर, इस बी से ऐसे चलकर फिर ऐसे ऐसे. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया है कि आप इस वे से जाएं तो हमें यह चीज फॉलो नहीं करनी. जैसे कि इस बी से स्टार्ट कीजिए, यहां तक आइए, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर फिर हमें रो थ्री में ट्रेवल करना है, रो थ्री में ट्रेवल करना है और इसी बी पर पहुंचना है, तो हमें सिर्फ यहां से आकर ऐसे ही मुड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में यह चीज स्पेसिफाइड है. तो इस तरह से ये दो कंसेप्ट थे. आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द सेकंड लेटर ऑफ रो फोर आफ्टर रिवर्सिंग लेटर्स ऑफ रो वन एंड रो फाइव एंड म्यूचुअली एक्सचेंजिंग ईच अदर. सो केयरफुली रीड द क्वेश्चन. What would be the second letter of row 4? Row 4, second letter. First, second. Next, after reversing letters of row 1st and row 5 and mutually exchanging each other. First of all, reverse letters of row 1st and row 5. Row 1st and row 5. हमें आंसर करना है कि सेकेंड लेटर ऑफ रो टू, विच इज द सेकेंड लेटर ऑफ रो टू, यहां पर कौन आ रहा है. ठीक है, तो रो फर्स्ट को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में मींस ऐसे, और रो फाइव को रिवर्स ऑर्डर में, फिर इनको एक्सचेंज करना है. कैसे वो चीज देख लीजिए, रो फाइव रिवर्स रो वन एंड आफ्टर दैट एक्सचेंज, रो फर्स्ट रिवर्स इन रिवर्स मैनर, ई ए बी, ई ए बी, ई बी, ई बी, रो फाइव बी ए डी, बी ए डी, बी बी ए डी, सी डी, सी डी. सो दिस इज रिवर्स ऑर्डर. आफ्टर दैट म्यूचुअली एक्सचेंज, म्यूचुअली एक्सचेंज मीन्स ये रो यहां पर और ये यहां पर. अब क्या होगा वो देखिए, यहां पर ए ई बी, ई बी, बी ए डी एंड सी डी, सी डी. सिंपल बोला जाता है एक्सचेंज रो वन एंड रो फाइव, मींस ये रो यहां पर आ जाएगी और ये यहां पर आ जाएगी, सिंपल है. बट हमें अब क्या करना है, इनको रिवर्स ऑर्डर में भी करना है, तो हम सिंपल करेंगे, इस ए को यहां लिखेंगे फिर ई बी, ई बी. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को, व्हाट वुड बी द सेकंड लेटर ऑफ रो फोर, रो फोर का सेकंड लेटर कौन सा है, यह चीज हमें बतानी है. ठीक है, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप रो फर्स्ट और रो फाइव में क्या चीज कर रहे हो, डजंट मैटर, हमें बताना है यहां पर कौन है. तो राइट आंसर
ए। राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन ए। सेकंड क्वेश्चन, इफ लेटर ए इज क्लोजर, इफ लेटर ए इज क्लोजर देन सी इन रो थ्री। हमें चीज देखनी है कि रो थर्ड में इफ सी इज क्लोजर देन ए, इफ सी इज क्लोजर देन ए मीन्स सी है वो क्लोज है। कहां से? हमेशा इस साइड से देखना है, लेफ्ट साइड से हमें चीज ऑब्जर्व करनी है, बाई साइड से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लोजर है, फार है, ठीक है, तो क्लोजर है सी ए से, इफ सी इज क्लोजर देन ए। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। देन द आंसर वुड बी द लेटर विच इज नॉट इन द रो, विच इज नॉट इन द रो। देन फाइंड विच लेटर इज नॉट इन द रो। ए बी, बी इज मिसिंग हियर। सो राइट आंसर, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? टाइप योर आंसर। इफ इन क्वेश्चन सेड सी इज क्लोजर देन ए, दिस इज ट्रू, बट इन क्वेश्चन इट इज सेड इफ लेटर ए इज क्लोजर देन सी। प्रीवियसली आई रीड रॉन्ग दिस स्टेटमेंट, आई रीड सी इज क्लोजर, बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए इज क्लोजर देन सी, विच इज रॉन्ग, फॉल्स कंडीशन, बिकॉज ए इज फार। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, अदरवाइज द आंसर वुड बी द लेटर विच हैज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द रो। इस रो में हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीट कौन हो रहा है बार बार? ई है, ई वन एंड टू टाइम्स, टू टाइम्स ई इज हियर। सो राइट आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट डाउन लेटर्स ऑफ रो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इन रिवर्स ऑर्डर एंड लीव अदर रो एज बिफोर। तो हमें सिर्फ रो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को रिवर्स ऑर्डर में करना है। व्हाट वुड बी द लेटर विच इज अबव द फोर्थ लेटर ऑफ रो फोर? सो हमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को क्या करना है? रिवर्स करना है। और पूछा गया है इंग्लिश के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करें आप। द फोर्थ लेटर ऑफ रो फोर, रो फोर का फोर्थ लेटर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ई। ई इज द फोर्थ लेटर। विच इज अबव द फोर्थ लेटर? सो अबव द फोर्थ लेटर इज ए, जस्ट अबव इज ए। देन अगेन रीड द क्वेश्चन, राइट डाउन 1 3 5 इन रिवर्स ऑर्डर एंड लीव अदर रो एज बिफोर। व्हाट वुड बी द लेटर विच इज अबव द फोर्थ लेटर ऑफ रो फोर? सो ए इज अबव द फोर्थ लेटर ऑफ रो फोर। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए इज इन रो थ्री। बट हमें रो थ्री को क्या करना है? रिवर्स भी करना है। तो ए की जगह अब कौन आ जाएगा? आफ्टर रिवर्सिंग यहां पर डी आ जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का? डी होगा यहां पर, डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट वुड बी द लास्ट लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ रो फाइव आफ्टर रिवर्सिंग द लेटर ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम फाइव एंड म्यूचुअली एक्सचेंजिंग ईच अदर। हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम फाइव के डायगोनल, रिवर्सिंग द लेटर ऑफ, सॉरी, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम फाइव को एक्सचेंज करना है और बताना है व्हाट वुड बी द लास्ट लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ रो फाइव। रो फाइव का जो डायगोनल है वो कौन सा है? ये डायगोनल है इसका, और इसका जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर क्या है? ए है। तो हमें बताना है इस जगह पर कौन होगा, हमें बताना है इस जगह पर कौन है, कब? आफ्टर रिवर्सिंग द लेटर ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम फाइव एंड म्यूचुअली एक्सचेंज, म्यूचुअली एक्सचेंज, आफ्टर म्यूचुअली एक्सचेंज, ये डी है वो यहां पर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रो फर्स्ट को, कॉलम फर्स्ट को हमें क्या करना है? रिवर्स करना है, फिर यहां पर रखना है, ठीक
ठीक है, इस तरह से ये कॉलम फर्स्ट है, रिवर्स करना है और फिर हमें एक्सचेंज करना है, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यहां पर ए की जगह आ जाएगा डी। तो राइट आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेक्स्ट, व्हाट इज द लेटर व्हिच इज इन एवरी कॉलम, सो फाइंड द लेटर व्हिच इज इन एवरी कॉलम, which is in every column and is the first letter in alphabet order. So start कीजिए, A, A in second column, A is there, A, A and A. A है वो सभी column में है, तो एक तो A present है यहां पर। Next, B, B यहां भी है, यहां भी है, और B यहां भी है और यहां भी है, so B also in all columns. After that C, 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 but in fourth column C is not present, and D, D is not present in column fourth, and E is not present in column third. So A and B is answer, but in question it is given that first letter in alphabetical order, first letter. जब भी first letter का हमें बोला जाए तो हमें देखना है जो दो हमारे आंसर हैं उनमें पहले कौन आ रहा है, फर्स्ट लेटर कौन सा है, तो ए है, तो ए हमारा यहां पर राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है द एंडिंग लेटर ऑफ अल्फाबेट और लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, देन हमारा आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटर व्हिच हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन द टेबल एंड इज द लास्ट लेटर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। What is the letter least frequency and last letter? So find the frequency of all letter in whole complete table A, B, C, D and E. Start A, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 और 1, 6 बार आया है यहां। B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C, 1, 2, 3 और 3 बार, सॉरी एक ये भी है, 4 बार C है, इसी तरह से D और इसी तरह से E, और फिर हमें बताना है फर्स्ट सॉरी लास्ट लेटर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, सो कमेंट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, दिस इज लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड, मूव राइट टू कॉलम टू, मूव अपवर्ड मीन्स फ्रॉम हियर हियर, starting from D, move to B, which is first letter. Move right to column 2 and move bottom, then move right to column 3 and move bottom to top. Means, यहां से start करना है हमें, फिर move upward, then right, then move down, then right, then move up, then right, then down, then right and then up. So, ये प्रोसेस हमें बोला गया है और कॉलम 5 के हमें टॉप तक जाना है, इस तरह से हमें चलना है, इस तरह से, ठीक है। फिर बोला गया है इन द पाथ विच लेटर हैज द फर्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसीज, फर्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसीज हमें बतानी है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो सबसे पहले 3 बार आया है, तो ये चीज हमें बतानी है, हमें स्टार्ट करना है यहां से, तो डी A, E, C, B, E, B, D, A, C, D. तो यहां पर हमें पता चल रहा है D is the first letter of three time appears. So first three frequency वाला जो letter है वो कौन सा है, D है यहां पर. Next question number 8. What is the letter which is same
एज द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ रो फर्स्ट। रो फर्स्ट का डायगोनल कौन सा है? ये है। इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर कौन सा है? बी है। बी इज द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ रो फर्स्ट। रो फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट लेटर बी एंड लास्ट लेटर इज बी। देन पिक मिडिल लेटर ऑफ बोथ द लेटर। मिडिल लेटर, इन दोनों का जो मिडिल लेटर है वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा यहां पर। एंड मूव अलोंग राइट अपर डायगोनल अप टू लास्ट लेटर, मींस राइट अपर डायगोनल विद रिस्पेक्ट टू अ लेटर। टोटल फोर डायगोनल्स एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल सी, दिस इज राइट अपर डायगोनल, राइट बॉटम डायगोनल एंड लेफ्ट बॉटम डायगोनल एंड लेफ्ट अपर डायगोनल, अपर डायगोनल। ठीक है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है मूव अलोंग राइट अपर डायगोनल। मूव अलोंग राइट अपर डायगोनल मीन्स ये डायरेक्शन में हमें जाना है और हमें जाना है लास्ट लेटर। तो सो लास्ट लेटर कौन सा है इस डायगोनल का? बी ए। ए इज द लास्ट लेटर। व्हाट इज द लास्ट लेटर? सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड बी द सेकंड लेटर ऑफ डायगोनल, व्हाट वुड बी द सेकंड लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ कॉलम 5 आफ्टर रिवर्सिंग लेटर ऑफ रो 2। तो देख लीजिए, इस तरह की टेबल आएगी एग्जाम में जिसमें लगभग 3 से 4 से 5 क्वेश्चन है वो सिंपल होंगे, कुछ में हमें देखना होगा डायगोनल्स के क्वेश्चन होंगे, इस तरह से मिक्सिंग होगी क्वेश्चन की। ऐसे नहीं है कि हार्ड ही हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सेकंड लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ कॉलम 5, कॉलम 5 का जो डायगोनल है, कॉलम 5 का डायगोनल ये है। इसका सेकंड लेटर कौन है? बी है। सेकंड लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ कॉलम 5 आफ्टर रिवर्सिंग रो 2। सो हमें आंसर करना है कि यहां पर कौन है, बट आफ्टर रिवर्सिंग रो 2, आफ्टर रिवर्सिंग रो 2 दिस बी इज रिप्लेस्ड बाय दिस बी एंड डी एंड सी इंटरचेंज, बी एंड बी इंटरचेंज। तो अब यहां पर बी की जगह बी आ रहा है, नो चेंजेस। ठीक है, तो हमारा आंसर बी ही होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रो 1, क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टिंग फ्रॉम रो 1 मूव स्ट्रेट टू कॉलम 5। स्टार्टिंग फ्रॉम रो 1 मूव कॉलम 5 मींस ऐसे हमें मूव करना है। उसके बाद है मूव बॉटम एंड देन मूव लेफ्ट मोस्ट, देन मूव लेफ्ट मोस्ट लास्ट लेटर, ठीक है, इन लेफ्ट साइड। देन रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट मींस हेयर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इन पाथ, पिक द मिडिल लेटर ऑफ थर्ड ई एंड थर्ड बी। थर्ड ई एंड थर्ड बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ई एंड थर्ड बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ई एंड सॉरी फोर्थ बी। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बी। सो मिडिल लेटर इज This B. Then what is asked? In which row the letter is placed in column 4? Column 4 में जो ये letter है वो किस row में है? तो सबसे पहले देखिए row 4 में B है वो कहाँ है?
यहां पर है एंड रो नंबर टू, कॉलम फोर में बी है वो रो टू में है, सो आंसर रो टू। और टू को हमें क्या करना है, चेंज करना है, मींस आंसर इज बी, सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो इस तरह से ये आज की क्लास थी। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको उसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कैसी रही क्लास, इंग्लिश में आज आपके सामने क्वेश्चन थे और मैंने जो टर्म है वो भी इंग्लिश में यूज करने की कोशिश की है ताकि जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी अगर आपका कोई सजेशन है क्लासेस को लेकर तो वो जरूर दीजिए आप, और इंग्लिश भी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी यूज किए ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट भी इन क्वेश्चनों को समझ पाए और उन्हें भी नए क्वेश्चनों को करने का, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनों को करने का वे पता चले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी, हिंदी में भी क्लासेस जारी रहेगी, इंग्लिश में भी जारी रहेगी, और रिजल्ट भी आ चुका है जैसा आप सभी को पता है। और कैसा रहा टेस्ट और कैसा रहा आपका रिजल्ट, जिनका अच्छा रहा है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो अब टेस्ट की तैयारी के लिए अब लेट ना हो, अपनी तैयारी को फुल प्रैक्टिस दीजिए, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। जब तक ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको एग्जाम का रियल मीन नहीं पता चलेगा, रियल आपको फीलिंग उसमें पता नहीं चलेगी कि रियल टाइम में एग्जाम का जो वे होता है किस तरह से हमें वहां पर अटेम्प्ट करना है। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, किसी की फोर्स ये नहीं कर रहे कि हमारी टेस्ट सीरीज, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और ऑनलाइन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट।